नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। सभी पार्टी के नेता लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में अगर एनडीए और भाजपा की बात करें तो उनकी तरफ से भी लगातार चुनावी सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच जो एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है कि भोजपुर जिले के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी सुषमलता कुशवाहा ने एक बच्चे को चुनाव से पहले जन्म दिया है। क्या कुछ खबर है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल जिले के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में सुषमलता कुशवाहा के समर्थन में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेकिन इससे ठीक पहले जो खबर आई वो अपने आप में काफी सुखद भी थी, क्योंकि विधायक का चुनाव लड़ रही इस महिला प्रत्याशी को मातृत्व की अनुभूति हुई। जानकारी के मुताबिक सुषमलता कुशवाहा ने पटना के एक निजी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया है और जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ है। सुषमलता कुशवाहा की पहचान विधायक की उम्मीदवार से पहले इलाके की मुखिया के तौर पर भी है। उनके विकास कार्यों से ही प्रभावित होकर जदयू ने पहली बार उन्हें जगदीशपुर से विधानसभा क्षेत्र में चुनावी मैदान में उतारा है। बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमि यानी कि भोजपुर जिले के जगदीशपुर विधानसभा सीट से इस बार कई धुरंधर चुनावी मैदान में हैं। महागठबंधन की ओर से राजद के सिटिंग एमएलए राम विष्णु सिंह लोहिया को टिकट दिया गया है, तो दूसरी ओर जेडीयू के टिकट पर सुषमलता कुशवाहा एनडीए प्रत्याशी के रूप में पहली बार ताल ठोक रही है। भोजपुर की जगदीशपुर सीट पर 18 उम्मीदवारों में सुषमलता कुशवाहा इकलौती महिला कैंडिडेट है जो चुनावी मैदान में है। उन्होंने कहा कि मुखिया रहते महिलाओं के लिए उन्होंने बेहतर काम किया है। ग्राम सभा में पहले महिलाएं नहीं आती थी लेकिन आज आती है। किसानों को लेकर सुषमलता कुशवाहा ने कहा था कि क्षेत्र में 14 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, हालांकि अभी भी कुछ इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था में कमी है, जिससे वो चुनाव जीत कर दूर जरूर करेंगी। जेडीयू उम्मीदवार सुषमलता कुशवाहा के ऐसे प्रतिद्वंदियों से मुकाबला है जो पहले विधायक और मंत्री रह चुके हैं। राजद ने अपने सिटिंग एमएलओ को टिकट दिया है। जगदीशपुर सीट से पहले 3 बार विधायक रह चुके पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा भी लोजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। वहीं राजद के पूर्व विधायक भाई दिनेश भी पप्पू यादव से जाप का टिकट लेकर रणभूमि में कूद गए हैं। भोजपुर जिले के जगदीशपुर विधानसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। चुनावी दंगल में महारथियों का मुकाबला दाव पेंच पंचायत की मुखिया और जेडीयू कैंडिडेट सुषमलता कुशवाहा से है। तो आपको बता दें कि सुषमलता कुशवाहा जो हैं उनकी लड़ाई इस बार कई सारे ऐसे विधायकों से है जो सिटिंग विधायक हैं, वहां पर उनकी अच्छी पकड़ है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सुषमलता कुशवाहा का क्या कुछ रिजल्ट सामने निकल कर आता है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि भोजपुर जिले के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से 18 उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टियों से। अब ऐसे में क्या कुछ रिजल्ट सामने निकल कर आता है ये तो मतदान के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।